बोंजोर, वेलकम बैक टू इंडिया टू फ्रांस। सो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हम लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, एक कहीं तो जा रहे थे, बट आई होप किसी ना किसी ने तो गेस किया होगा। यस, हम जा रहे हैं इटली। तो आज हम 5:30 को हमारा फ्लाइट है, तो हम 2:30 को घर से निकल चुके थे एंड पूरा जो भी है जर्नी मैं दिखा रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, ये पूरा बजटेड ट्रैवल रहने वाला है, तो प्रॉबेबली अगर आप ट्रैवल करने वाले हो तो आपको ये यूज़फुल रहूँगा। अभी हम आके खड़े हैं ग्वेन बेरी करके, तो यहाँ से हमें बस लेना है टू एयरपोर्ट। तो डायरेक्टली हम एक एयरपोर्ट शटल नहीं ले रहे हैं, विच वुड कॉस्ट अस 10 यूरोस। इनफैक्ट हम ले रहे हैं बस, ट्रैम एंड सबवे, सो ऑल थ्री ऑफ देम। सो पूरा जर्नी मैं बताती हूँ, स्टे ट्यून्ड। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। यूजुअली कहीं पे भी जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो आई प्रेफर नॉट टू कुक एनीथिंग हैवी, सो दिस इज मी क्रिएटिंग पेस्टो फारफेल अलोंग विद सम फ्रूट्स। एंड मैंने देखा कि राहुल ने ना एक्सीडेंटली अपने ये छोटे से फ्रिज में डी फ्रीज बटन दबा दिया था, जिसकी वजह से पूरा पानी फैल गया। आप ये देख सकते हो कि पूरा मेरे कर्ड के बॉक्स के ऊपर पानी ऐसे आ गया है, पूरा क्लीनिंग करना पड़ेगा भाई। ऑल्सो सिंस हम एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, हमने सोचा पूरा ट्रैश भी क्लियर कर लेते हैं। एंड राहुल हैड टू गो फेट सम सनस्क्रीन एंड सम कॉस्मेटिक्स जो मैंने मिस कर दिया था। एंड सरप्राइजिंगली आज टुलूस में वेदर बहुत ही प्यारा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं छोड़ के जाऊँ ही नहीं। और ये जो प्यारा सा पौधा है, ये हम मेरे दोस्तों ने गिफ्ट किया था, तो इसको कैसे छोड़ के जा सकते हैं। तो पूरे हफ्ते का पानी दे दिया इसको मैंने। एंड ये सब करते करते मैंने फ्रिज भी क्लियर कर दी, टाडा। मैंने ये भी सोचा कि जब हम एक हफ्ते बाद आएंगे, कुछ ना कुछ तो सामान होनी चाहिए, तो ये जो भी चीज़ें बच गए थे इसको डीप फ्रीज कर दिया। और ये जो चटनी आप देख रहे हो, ये स्पेशली राजस्थान से मेरे दोस्त के मंगाए हुआ है। So what was the route that we are taking? So यहाँ से पहले जॉन डार्क से मेट्रो, पहले द जस्टिस, एंड फिर पहले द जस्टिस से ट्रैम मेट पकड़ना है, और वहाँ से हम जाएंगे ग्वेन बेरी में ट्रैम से वहाँ पे एक और बस रहेगा, राइट? राइट, करेक्ट। वहाँ से एक बस मिलेगा, वहाँ से फिर डायरेक्ट एयरपोर्ट। कितने में होगा ये? 30 मिनट्स बता रहा है। एंड प्राइस? 1 यूरो, 1 यूरो 30 सेंट्स। या सो वी आर गोइंग टू अ वेकेशन एंड इन फ्रांस इट्स एक्सट्रीमली हॉट राइट नाउ। लुक एट द वे some brands are marketing. So at the subway station, students handed us this one. So this is, you know, both you can read about the brand as well as you can use for multi-purpose. I think as a marketeer, we should be vigilant about what is happening around and try to create a, I mean, there are opportunities, but it depends how many of you convert it to a chance where you can shine your brand.
ऑलमोस्ट मिस आ गई थी नंदा गेट अत्र बंदा बोर्ड आगे बट नंदा हमारा ऐसा ही होता है या एक्चुअली क्या हुआ था मुझे सनस्क्रीन का बॉटल 200 ml का था उसके लिए रुका गया बाकी बहुत कुछ चीज़ें मैंने कैरी किए थे लेकिन वो छोटे छोटे बॉटल में थे लेकिन सर सनस्क्रीन का जो था ना वो 200 ml था तो रोक दिया और वो चेक आराम से करते हैं यहाँ पे बंदे मस्त स्लो कुछ नहीं है करना उनको कोई अर्जेंसी नहीं जो भी गिड़गिड़ाओ पूछो स्टूडेंट हो कुछ भी बोल दो उनको बात ही नहीं करना है मुझे अपने घर जाना है सो 200 ml से नीचे लाइए जो भी बॉटल सबको लाना है या ले जाना है वो वहाँ पे ले तो ले लिया अभी बोला है उन्होंने वापस आके इंक्वायर करने के लिए तो दे देंगे बट पता नहीं मिलेगा अभी के लिए सो बोर्ड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे À ce type d'avion, il est essentiel que les signaux dans la cabine et les instructions données par l'équipage. वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी 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 So we have one of the transport here that is the Stratinet. ये कितना चार्ज होता है? क्या है चार्जेस? ये dot application में मिलेगा. Unlock करने के लिए 1 euro है and per minute का 0.29 euros लगता है. Cents. Okay. तो हमारा Airbnb यहाँ पे 40 मिनट दूर है. 8 kilometers दूर है. 8.9 something या तो. 7-8 minutes वहाँ पे पर मंथ पर वीक और पर डे का भी सब्सक्रिप्शन है तो पर डे का 4.5 euros पड़ता है एंड इट विल बी फॉर 24 hours तो अभी समझो कि मैं अभी 10 बजे यहाँ पे 10 बज गए ऑलमोस्ट अभी लेती हूँ तो कल रात 10 बजे तक 4.5 euros रहेगा
I think I might go for this, or I might take metro, which will cost me... how much is the metro ticket? 2.5 for one side. Okay, metro ticket is 2.5. But it's only one side. अगर मैं ये लेती हूँ तो कल मैं इसी के साथ वापस आके पूरा सिटी भी घूम सकती हूँ. लेट मी थिंक. बट अदरवाइज दिस इज द प्राइस हियर इन इटली. अभी हम कोलोना नॉर्ड पहुंच चुके हैं. कोलोनियो नॉर्ड. एंड यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर है हमारा एयरबीएनबी. 750 meters. So that might take around 15 minutes by walk. जगह बहुत ही सुनसान लग रहा है, लेकिन हमने ये वाला इसीलिए चूज किया था क्योंकि ये थोड़ा सस्ता था. तो मेट्रो से हमें आने में लगा 2.5 रुपए पर पर्सन. तो चलेगा. अगर मैंने सेंट्रल सिटी मिलान में लिया होता एयरबीएनबी तो 30-40-50 यूरो ऐसे ज़्यादा हो जाता. तो दिस इज स्टिल बेटर. सो वंस आई रीच आई शो यू हाउ द रूम लुक्स. हे राहुल, आर यू टायर्ड? कैन यू कैरी माय बैग प्लीज? वो मैं अगले हफ्ते वैसे भी करने वाली हूँ. दो पागल एक अनजान शहर. So this is Arsan, house owner, and this is his house, and he comes from Pakistan. Hi, hello. Thank you. Hey, you guys can carry on. This is kitchen number one. There's all the utensils. This is kitchen number 2. Arslan has multiple rooms. This is common bathroom, which is usually empty, is what he says. This is room number 1, room number 2, room number 3, that's where we are staying. Aur ye ek chautha room hai. So let me show our room. Closet.
The room has heating as well as AC. I can't find the AC, but he said, yeah, that's where the AC. So summer, winter, I think it's sorted here. Study table, table lamp, and a comfortable bed. All right, so guys, this is our first Milan ka Airbnb where we are gonna stay. And I think one night stay hoga. Aaj abhi 12 baj rahe hai, to hum log kafi late ho gaye. Thoda dhoondne mein thoda mushkil tha. But then abhi hum log yahan pe pahunch gaye, to shayad kal subah hum thoda sa late jayenge. Yahan se hame fir se jana padega Milan Central. So, fir se metro, which would cost per person around 2.5 euros from here to metro Milan Central. So, wahan pe sare jo touristy places ya activities jo hume karni hai, sare wahan pe. So, for now, this is it. I think we're gonna have some light food. We just had KFC and light food, and then I think we're gonna rest because kafi sara idhar udhar bhagdaud hua hai. So, alright, so I will end the vlog here and I will continue tomorrow. Actually, I'll not end. So for Milan, I'm doing one vlog, and next to destination ja rahi hu, wahan pe bhi dusra vlog hone wala hai, and last to destination hai, which is the third one, wahan pe bhi ek vlog hone wala hai. So total Italy trip ka 3 vlogs hone wala hai. So stay tuned. Until then, bye. Khatam. Bye bye, Tata, goodbye, Gaya.